में चंद मिनटों के बाद नतीजे सामने होंगे। हम जानना चाहते हैं कि अब वाकई में आप जीत रहे हैं। देखिए, नतीजे आपके लिए चंद मिनटों में डिक्लेयर होंगे, हमारे लिए डिक्लेयर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी होकर भी जिंदा रहती हैं, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो पुराने होकर भी जिंदा रहते हैं, शायद उन सवालात का जवाब कभी नहीं मिलता है, और कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो उन सवालात का जवाब खोजने के लिए लगे रहते हैं। उसी में एक नाम है रवीश कुमार का। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ। 2007 में रवीश कुमार ने नई नई रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी और उसी ज़माने में गुजरात में चुनाव भी हो रहे थे। अब आप समझ गए होंगे, अगर गुजरात में चुनाव हैं तो वहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे और अमित शाह साहब भी मौजूद होंगे। रवीश कुमार साहब की पोस्टिंग जो हुई थी, जो तैनाती हुई थी, वो अमित शाह साहब के घर पे हुई थी और अमित शाह साहब अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वोट डालने जा रहे थे। उस समय रवीश कुमार ने उनका इंटरव्यू लिया था और उस वक्त अमित शाह ने कहा था कि वो 2/3 वोटों से जीत रहे हैं और ऐसा ही हुआ। वही कॉन्फिडेंस अमित शाह का 2014 में दिखा, वही कॉन्फिडेंस 2019 में दिखा। एनडीटीवी इंडिया की एक क्लिपिंग है जिसमें रवीश कुमार ने इंटरव्यू लिया है, यानी कि कुछ सवालात पूछे हैं, जितने सवालात पूछने का मौका उनको दिया अमित शाह साहब ने, वो सवालात क्या थे और उसका क्या जवाब दिया अमित शाह ने, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो की तरफ से। ये क्लिपिंग एनडीटीवी इंडिया से ली गई है। एनडीटीवी इंडिया और रवीश कुमार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस वीडियो क्लिप के। देखिए क्या सवाल रवीश कुमार ने पूछे और क्या जवाब अमित शाह ने उस वक्त दिए। माहौल है शाह साहब, माँ का आशीर्वाद जरूरी है जनता के बाद। हाँ, मेरे लिए तो सबसे पहले माँ का आशीर्वाद सबसे पहले जी। आज आज जो एक जो सब कयास लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि अब आखिरी दौर में चंद मिनटों के बाद नतीजे सामने होंगे। हम जानना चाहते हैं कि अब वाकई में आप जीत रहे हैं। देखिए, नतीजे आपके लिए चंद मिनटों में डिक्लेयर होंगे, हमारे लिए डिक्लेयर है। हम प्रजा के बीच में रहे हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर से 2/3 बहुमत से भाजपा को जिताने के लिए मतदान किया है और मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में फिर से एक मजबूत भाजपा सरकार राज्य में बनेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि हर चुनाव के बाद हर चुनाव में एक तरह से एक बहुत गर्मा गर्म माहौल हो जाता है। आप अपनी माँ के साथ हैं, कोई ऐसी बयानबाजी जिसे लेकर आपको, अपनी पार्टी की बयानबाजी जिसे लेकर थोड़ा अफसोस होता, ना करते तो अच्छा, एक पश्चाताप, एक मतलब रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो बताइए। देखिए, पार्ट ऑफ गेम है, इससे कोई पश्चाताप वाली बात नहीं होती है। चुनाव में दोनों ओर से इस तरह की बयानबाजी होती है और ये रूटीन बात है।